अरे क्या हुआ है, इतना हाँप क्यों रहा है? अरे माँ, मेरा रिजल्ट आ गया। अब ना तू बस मुझे एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग में दाखिला दिला दे, फिर देख कैसे झट से नौकरी निकालता हूँ और अपनी सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। माँ बेटा चल, मैं तेरा खाना निकाल देती हूँ, तू खाना खा ले। अरे अरे माँ देखो, बात को टालो मत। आपको पता है ना, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कोचिंग में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अपने मामा से बात की पैसों के लिए। हाँ पर वो मदद नहीं कर पाएंगे। अंकल जी, जी वो बैंकिंग के लिए वो वाली बुक दीजिएगा, दिशा की। हाँ हाँ दिशा वाली ही, मैंने होर्डिंग्स पढ़ी थी। कैसी है बुक बेटा? बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारे लोग ये किताबें खरीद रहे हैं। हाँ तुम भी ले लो, ले लो, इस किताब से तुम एग्जाम जरूर क्लियर कर लोगे। वैसे जब तुम नौकरी पा जाओगे ना, तब मिठाई के साथ पैसे दे देना। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। पहचाना आपने? तुम दिशा की किताबें लेकर गए थे ना? हाँ जी हाँ अंकल। अरे लगता है कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया है, है? है? हाँ जी हाँ अंकल, वो अब मैं ABF बैंक में काम करता हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद, ये रही आपके लिए मिठाई। अरे अच्छा अच्छा मिठाई। और अंकल ये रहे किताब के पैसे। नहीं नहीं बेटा, सिर्फ मिठाई। अंकल मेरे पास तब पैसे नहीं थे, तो आपने नई दिशा दिखाई थी, अब मना मत करो बेटा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। दिशा हो सही तो समय और जीवन के पहिए बदलेंगे ही। सही दिशा और पूरी तैयारी सिर्फ दिशा के साथ।